गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 10 और 250 के बीच में आपको 4 के गुणज यानी कि मल्टीपल्स बताने हैं, यानी कि 4 की आपको टेबल बोलनी है कहाँ से लेके कहाँ तक की, 10 से लेकर के 250 के बीच की। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 10 के बाद क्या आता है आपके पास 4 की टेबल में, 4 1 जो 4, 4 2 जो 8, 4 3 जो 12, है ना। तो 10 के बाद तो 12 भी इसका मल्टीपल होगा, 12, 16, 20, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट जो टर्म आएगा आपका, जो इसके बाद वाले टर्म आपको नहीं लेने, जो इससे पहले आपका गुणज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 248, जिसमें कि क्या चले जाता है, 4 का डिवाइड इसमें चले जाता है, यानी कि 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो उसी ढंग से जब आप इसमें लिखेंगे तो आपको एक एपी श्रृंखला प्राप्त होगी, है ना। तो इसमें आपको प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। इसमें जो डी कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, 16 माइनस 12, यानी कि द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को माइनस करते हैं, सार्वंतर होता है 16 माइनस 12, यानी कि 4। और ये सीरीज लास्ट में कहाँ तक जा रही है श्रृंखला, ए एन इक्वल्स टू 248। इसमें अब फॉर्मूला लगाइए बच्चों, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप सारी वैल्यूज इसमें रखिए, अभी तक हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ए एन की वैल्यू 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस वन डी की जगह में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इधर ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन 4। माइनस किया 236 आया, इक्वल्स टू एन माइनस वन 4, ये मल्टीप्लीकेशन में है 4, इसके साथ जाके डिविजन में हो जाएगा, 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आएगा 59 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब हम n को सेपरेट आउट करेंगे, यानी कि नंबर्स को नंबर्स के साथ ले जाएंगे, माइनस में इधर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 59 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 60। यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, 60। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। हमें दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि दोनों समांतर श्रेणियों में कौन से nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका anवां पद आप निकालिए। ठीक है, पहली वाली सीरीज़ का आप ए वन पद निकालेंगे और उसी ढंग से हम दूसरी सीरीज़ का भी ए वन पद निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि एनवे पद के लिए क्या हो रही है, बराबर हो रही हैं। तो श्रृंखला जो हमारे पास ए पी है वो क्या है, 63, 65, 67। ए की वैल्यू क्या दे रखी है प्रथम पद, 63। डी सार्वंतर क्या हो जाएगा आपके पास, 65 माइनस 63। आप यहाँ से ए एन निकालिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सारी वैल्यूज आपने रखी, 63 प्लस एन माइनस वन डी की जगह में क्या रख लिया आपने, 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 63 प्लस इसको खोलेंगे 2n, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस वन के साथ, तो 2n माइनस 2, तो an की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, आप 63 में से माइनस 2 करेंगे, 61 प्लस 21 आपके पास आएगा, ये आपकी समीकरण एक बन जाएगी। उसी ढंग से जो हमारे पास द्वितीय ए पी है वो क्या है, 3, 10, 17। ए आपने निकाला, प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर आपने निकाला 10 माइनस 3, 7। उसी ढंग से आप इसका ए अनुवा पद निकालिए, तो एन इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए की जगह में 3 पुट किया, प्लस एन माइनस वन डी की जगह में 7। इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 प्लस ये अंदर खुलेगा 7n माइनस 7, नंबर एक साथ ये 7n और माइनस 7 प्लस 3 यानी कि माइनस 4, समीकरण 2। अब ये बताने कि nवां पद इसमें क्या है, बराबर है। तो हमने जो हमारे पास ये an निकले थे, हमने दोनों समीकरण को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ऊपर वाली समीकरण क्या है, फर्स्ट 61 प्लस 2n और दूसरी समीकरण क्या है, माइनस 4 प्लस 7n। आप इसको सॉल्व करिए, 61 ये माइनस का इधर है तो ये प्लस आगे इधर 4 हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू
सेवन एन, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का टू एन, ये हो जाएगा आपके पास 65 इक्वल्स टू 5n, तो n इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 13, यानी कि 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियां क्या हैं, बराबर वहाँ वो पद आएगा n 13वें नंबर पे, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद A3 16 आपको दे रखा है, और जिसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, और जो उसका सेवन्थ टर्म है वो उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, 12 अधिक है, प्लस 12 है मतलब, ठीक है। तो अब जो आपको दे रखा है कि तीसरा पद क्या है, 16 है, यानी कि A3 इक्वल्स टू 16, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A3 को A+2D लिख सकती हूँ, A+2D इक्वल्स टू 16, ये पहली समीकरण आ जाएगी। उसी ढंग से जो दूसरी समीकरण आपकी बनेगी वो क्या दे रखा आपको कि सातवां पद यानी कि A7 जो है क्या है पाँचवें पद से, पाँचवें पद यानी कि A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, प्लस 12। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A7 को A+6D इक्वल्स टू A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D प्लस 12, A से A कैंसिल आउट हो गया, 6D है यहाँ पे, 4D है, DD को एक साथ ले आइए आप, 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, 6D माइनस 4D करा तो 2D आ गया इक्वल्स टू 12, तो D इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। अब हम D का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक पर रखेंगे, D का मान समीकरण एक पर रखने पर क्या हो जाएगा, A+2D इक्वल्स टू 16, A की जगह में A रहेगा, प्लस की जगह में प्लस, 2 की जगह में 2, D की जगह में क्या आ गया 6 आ गया इक्वल्स टू 16। आप इसको सॉल्व कीजिए, A+12 इक्वल्स टू 16, ये माइनस होगा तो यहाँ पे A की वैल्यू आपको क्या निकल के आ जाएगी, 4। तो आपको ऐसी AP ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो ऐसी AP अब क्या बनने वाली है, AP का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फर्स्ट ये होता है इसमें पहला टर्म A, नेक्स्ट जो आएगा आपके पास A+D, A+2D, A+3D, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती है, तो A आपके पास आ गया 4, तो नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, A+D 4+6, अगला टर्म A+3, थर्ड टर्म जो होगा इसका A+2D, सारी वैल्यूज आपने रखी, फोर्थ टर्म क्या होगा इसका A+3D, तो सारी वैल्यूज आपने रखी, तो आपके पास जो श्रृंखला आएगी वो आएगी 4, 10, 16, 22, ठीक है। उसी ढंग से बच्चों क्वेश्चन 17 है कि AP आपको AP दे रखी है 3813-253 में अंतिम पद से, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं इसमें, अंतिम पद से, पीछे से स्टार्ट हो रही सीरीज, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, आपको 20वां पद ज्ञात करना है लेकिन बैक साइड से, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो आपको देखिए AP जो दे रखी है आपके पास वो क्या है 3813-253, प्रथम ओर से जब हम देखेंगे तो हमारा प्रथम पद कौन होगा, ये होगा A इक्वल्स टू क्या होगा 3, और सार्वंतर क्या होगा 8-3 यानी कि 5। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतिम ओर से, जब अंतिम ओर से क्वेश्चन पूछा है तो जो अंतिम पद होगा वो कौन सा पद बन जाएगा आपका, लास्ट वाला पद प्रथम पद बन जाएगा A इक्वल्स टू 253, और इसमें कौन सा पद निकालना आपको, 20वां पद निकालना है, ठीक है, N इक्वल्स टू क्या दे रखा आपके पास 20, ठीक। और जो सार्वंतर होगा, अभी तक ये प्लस में चल रहा था, डी इक्वल्स टू ये माइनस ये हुआ था, लेकिन अब रिवर्स में ये माइनस ये होगा, है ना, तो माइनस डी क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। तो उसी ढंग से आपको 20वां पद निकालना है, A20 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, A+19D। तो आप सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए, A की वैल्यू 253 है, +19, और D की जगह में क्या आ जाएगा -5। -5 पता है ना क्यों आ रहा है, क्योंकि जब उल्टी सीरीज चल रही थी, फ्रंट साइड से चल रही थी, तो क्या था सार्वंतर 5 का था, लेकिन जब बैक साइड से चलेगा तो आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो उसी ढंग से पुट कर आपने सारी वैल्यूज, डी की जगह में -5, इसको एक्सपेंड करा 253 -95, ये माइनस किया तो 158, यानी कि जो अंतिम पद से 20वां पद है वो क्या है 158 है, और यही आपका क्या है आंसर।